गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के YouTube वीडियो में। तो आज हम हमारे YouTube चैनल के लिए एक आई है नई एक्सेसरीज, जो अब हम आपको आज बताने वाले, अनबॉक्स कर रिव्यू बताएंगे आपको। तो हमारे उस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक जरूर देखें। और आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था हम चैनल का कर, तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो आपको बताते हैं हमारा एक्सेसरीज। सो गाइस, तो ये है हमारे एक्सेसरीज। आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत एक काम की चीज़ें। ये बहुत महंगा है, मैंने मतलब, लेकिन अगर आपको चाहिए तो ये आराम से आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे 350 आराम से मिल जाएगा। हमने इसको मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, तो आप भी चाहो तो मंगवा सकते हो। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपका इसका लिंक मिल जाएगा, और आप चाहो तो इसको मंगवा सकते हो। तो चलते हैं अब इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। आ चुके हैं हमारे यहाँ पर, तो चलते आइए अब अनबॉक्स करते हैं। कनेक्टिविटी वाला, इसके साइड में इसका दे रखा है, इसके कितने मतलब खड़ा होगा ये, या कैसे निकलेगा, या फिर कैसे मोबाइल लगाना है साइड पे, पीछे की तरफ इसका मोबाइल कैसे लगाना है, कितना बड़ा क्या दे रखा है, स्ट्रेचिंग होल्डर दे रखा है। इस साइड की तरफ इसके रिमोट के बारे में बता रखा है कि रिमोट के बटन है, और जैसे अब ये बटन दे रखा है, इसको क्लिक करने से हमारा ब्लूटूथ से काम करता है। और आगे की तरफ आपने देख लिया ट्राइपॉड है, स्टैंड है। तो चलते अब हम इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसको रखते हैं। ये आ चुका है हमारा ट्राइपॉड, ये ऐसे ओपन होता है। ये है इसका ब्लूटूथ रिमोट, ऐसे निकल जाता है। तो अब इसको हम चेक सकते हैं साइड में इसको भी। और ये है हमारा सेल्फी स्टिक, अब इसको हम इसे निकाल सकते हैं। ये इतना लंबा होता है, ये 360 डिग्री तक घूमता है, ये ऐसे घूमता है, चाहो तो ऐसे आप कर सकते हो। और ये हमारा है ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक हो गया है। अब यहाँ पर ये इसको बटन लगा सकते हैं, तो वहाँ पर लगाने के बाद ये बटन प्रेस होता है। तो अब इसको हम रखते साइड में, इसको वापस हम ट्राइपॉड बना देते हैं। छोटी ये होने के बाद ये इतनी सी हो जाती है, देख सकते हो। इसको आप चाहो तो पॉकेट में ले जाकर, चाहो जहाँ पर इसको आप ले जा सकते हो। तो चलते वापस इसको ट्राइपॉड कैसे बनाए, तो ये अब इसको वापस लगाते हैं अंदर, अब बताते आपको इसको ट्राइपॉड कैसे बनाए। तो ये देख सकते हो, ये ऐसे ओपन होता है, ये दूसरा भी ऐसे ही ओपन होता है। दो सेकंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ये देख सकते हो, ये है ये, यहाँ पर आप इसको ऐसे पकड़ सकते हो आराम से। सॉरी, ये ऐसे ओपन होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पर फोन आना है, बट इसके ऊपर आप इसे ऐसे आराम से, ये एकदम स्ट्रेचेबल है। यहाँ पर आप आराम से इतना बड़ा आराम से फोन लगा सकते हो। वापिस इसको हम लगा सकते हैं इससे। ये बन गया हमारा ट्राइपॉड, ये यहाँ पर खड़ा रहता है। और आप ये इसको आप ऐसे निकाल दीजिए, जैसा कि आप इसको देख सकते हो। निकालने के बाद आप इसको ऐसे खड़ा कर सकते हो, आपका चाहो जितना आप ऐसे कर सकते हो, इतना इतना इतना। ऐसा करने के बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल लगा कर आराम से वीडियो बना सकते हो। और इस रिमोट, और इस रिमोट को यहाँ से प्रेस करते रखने के बाद ये ऑन हो जाता है। वापस अगर आप प्रेस करके रखोगे, ये वापस ऑफ हो जाएगा। इसको ऑन करने के बाद आप मोबाइल में जाकर इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लूटूथ ऑन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम है सेल्फी, इस यस जी हाँ, इस ब्लूटूथ रिमोट का नाम है सेल्फी। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे आप कैमरा ऑन करके आप इसके अंदर लगा दो, इसको चाहो यहाँ पर रख दो आप यहाँ पर, फिर यहाँ पर आकर आप आराम से वीडियो बना सकते हो। अब चाहो तो अब इसको जैसे आप इसको वहाँ पर ऐसे सेट में रखें, दबा कर इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर अब हम आराम से यहाँ पर ऐसे वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको वापस बंद करना है, तो धीरे से आप इसको यहाँ पर ऐसे बटन दबा कर आप इसको बंद कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस